Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss the chapter Hinki Chadar Srikruti Ek Bahadur from your book The Literary Petals, class plus 2 in the subject of English elective. तो चलिए करते हैं हिंद की चादर श्री गुरुदेव बहादुर चैप्टर की हिंदी में एक्सप्लेनेशन. द स्टोरी ऑफ गुरुदेव बहादुर्स सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इज नॉन टू वन एंड ऑल. अंतरात्मा की स्वतंत्रता के मानव अधिकार को बनाए रखने के लिए गुरुदेव बहादुर के सर्वोच्च बलिदान की कहानी सभी को पता है. प्रोफेसर जगदीश सिंह अनोटेड स्कॉलर हैज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग पेजेस अ वेरी लुसिड अकाउंट ऑफ दिस यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ नाइन्थ मास्टर. तो जो प्रख्यात विद्वान हैं प्रोफेसर जगदीश सिंह, उन्होंने निम्नलिखित पृष्ठों में नौवें गुरु के इस अद्वितीय बलिदान का एक बहुत ही स्पष्ट विवरण जो है वो प्रस्तुत किया है. द मार्टिरडम ऑफ द गुरु हैज ग्रेट रेलेवेंस टू द स्ट्राइव टोर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. गुरु की शहादत का समकालीन दुनिया के संघर्ष से बहुत गहरा संबंध है. द सागा ऑफ द नाइन्थ गुरुज सेक्रीफाइस एलिमिनेटेड द डार्क एंड ब्लैक स्पेस ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी विच हैड विटनेस्ड द हॉरिड ड्रामा ऑफ द स्टेट मैनेज्ड फोर्सिबल एंड मैसिव कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू फोल्ड ऑफ इस्लाम. तो जो नौवें गुरु के बलिदान की गाथा जो थी, उसने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंधेरे और अंधकार में स्थान को रोशन कर दिया. जिसने राज्य के भयानक नाटक को देखा था जो हिंदुओं के इस्लाम के तय में जबरन और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का प्रबंधन जो था करता था. द गुरुज लेइंग डाउन ऑफ हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ फेथ इन दैट फैंटिकल एज कॉन्स्टिट्यूट्स अ ल्यूमिनस लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर लैंड. और इस कट्टर युग में विश्वास की स्वतंत्रता के लिए गुरु का अपना जीवन देना हमारी भूमि के इतिहास में एक चमकदार मील का पत्थर है. तो चलिए करते हैं, ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन की इस ये जो लेसन है वो किसके बारे में है, तो इसको अभी हम डिटेल में करते हैं. द लाइफ ऑफ द नाइन्थ गुरु तेग बहादुर बिफोर हिज एक्सेशन टू द होली गद्दी वॉज मोस्ट अनयूजुअल. पवित्र गद्दी पर बैठने से पहले नौवें गुरु तेग बहादुर का जीवन सबसे असामान्य था. For 20 long years he lived a solitary life in deep meditation in basement cell in the village of Bakala near Amritsar. और 20 वर्षों तक उन्होंने अमृतसर के एक के पास जो बकाला गांव में एक तहखाने की कोठरी में गहरे ध्यान में एकांत जीवन जो था वो व्यतीत किया था. इवन एज अ चाइल्ड ही वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स इन टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड ऑफ लाइफ. और बचपन में ही वो स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में अपने भाइयों से काफ़ी अलग थी. ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हर गोविंद एंड वॉज बॉर्न इन अमृतसर इन अप्रैल 1621. वो गुरु हर गोविंद जी के सबसे छोटे बेटे थे और अमृतसर में अप्रैल 1621 में उनका जन्म हुआ था. एज ए यंग बॉय ही वॉज एकम्पनिंग द मैरिज पार्टी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर बाबा गुरदित्ता ड्रेस्ड इन फाइन क्लॉथ्स. एक छोटी लड़की के रूप में वह अपने बड़े भाई गुरदित्ता की शादी की पार्टी में जा रहे थे. अनेक्ड बॉय विद नो क्लोथ्स टू वियर वाज लुकिंग विद लॉन्गिंग आईज एट द गॉर्जियस ड्रेसेस वॉर्न बाय मैरिज पार्टी. और एक लड़का जो निर्वस्त्र था, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, शादी की पार्टी में पहने जाने वाले भव्य परिधानों के लिए तरस रहा था. जब उसने देखा कि लोग मैरिज में आए हैं और बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, तो वो उनके लिए तरस रहा था. क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे. द यंग टेक बहादुर्स आईज फेल ऑन द नेक्ड बॉय. और जो गुरु तेग बहादुर थे,
ठीक है, उनकी नज़र जो थी वो उस बच्चे पर पड़ी जिसने कि कपड़े नहीं पहने हुए थे। ही टुक ऑफ हिज कॉस्टली ड्रेस, उसने अपनी जो महंगी परिधान थे उनको उतारा, एंड गेव इट टू हिम, और इसे उन्हें उस लड़के को दे दिया जिसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। एज दे बहादुर रैन होम फॉर अनदर ड्रेस, और जैसे ही गुरु तेग बहादुर और पोशाक के लिए घर की तरफ भागे, हिज मदर इंक्वायर्ड क्यूरियसली अबाउट हिज प्रीवियस क्लॉथ्स, तो उनकी मम्मी ने उनसे जो पहले उन्होंने कपड़े पहने हुए थे उसके बारे में पूछा। द यंग तेग बहादुर आंसर्ड इनोसेंटली, और युवा तेग बहादुर ने बड़ी ही जो था इनोसेंटली जो था आंसर दिया। डियर मदर, उन्होंने कहा कि प्यारी माँ, नो वन वुड हैव गिवन द पुअर बॉय माई एनी क्लोथ्स टू वियर, कि किसी ने भी जो वो गरीब बच्चा था उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए। आई वॉज श्योर यू वुड गिव मी अनदर ड्रेस, और मुझे विश्वास था कि आप मुझे एक और जो पोशाक है वो दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने अपने परिधान जो थे, अपने जो कपड़े थे वो दूसरे बच्चे को दे दिए, तो उसकी माताजी जो थी वो उसे डेफिनेटली नई पोशाक जो है वो दे देंगी। गुरु तेग बहादुर वॉज इंस्टॉल्ड एज द नाइन्थ गुरु इन 1664 एट द एज ऑफ 43, एज इंडिकेटेड बाय गुरु हरकृष्ण व्हेन ही मर्ज्ड विद द इन्फिनिट इन दिल्ली। और गुरु तेग बहादुर को 1664 में 43 साल की उम्र में 9वें गुरु के रूप में चुना गया था, जैसा कि गुरु हरकृष्ण के संकेत जो था वो दिए थे जब उनका दिल्ली में अनंत के साथ विलय हो गया था, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी तो तब उन्होंने ये संकेत जो थे वो दिए थे कि जो 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर को नियुक्त किया जाए। When Dhiramal, one of Guru Hargobind's grandson, learnt of the formal proclamation of Guru Tegh Bahadur as ninth Guru, he lost his temper. और जब गुरु तेग बहादुर के पोतों में से एक धीरामल जो थे उनको 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर की औपचारिक घोषणा के बारे में जब पता चला तो उन्होंने अपना आपा खो दिया, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आया। ही हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू हैव द गुरु किल्ड, और उन्होंने गुरु को मारने की साजिश रची। ही सेंट अ मसंद बाई नेम ऑफ शिहान हु एम्ड अ गन एट गुरु तेग बहादुर एंड फायर्ड, उन्होंने एक शिहान नाम के मसंद को भेजा जिसने कि गुरु तेग बहादुर पर निशाना साधा और गोली चला दी। द गुरुज लाइफ वॉज सेव्ड, अब जो गुरु थे उनकी जान बच गई, बट हिज ईयर गॉट अ गन शॉट वॉन्ड, लेकिन उनके कान में जो गोली थी वो लग गई। द गुरु रिमेन काम एंड अनपरिटर्ब्ड, जो गुरु थे वो बिल्कुल शांत रहे और बिल्कुल अडिग रहे। द अदर अकम्प्लिस ऑफ शिहान लूटेड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द गुरु, और जो उसके साथ एक और बंदा था शिहान के साथ, उसके दूसरे साथी ने गुरु की सारी संपत्ति क्या की, लूट ली। सम ट्रेडर्स एंड द अदर सिख डिवोटीज डिसाइडेड टू अवेंज धीरामल अटैक ऑन द गुरु, लेकिन जो थे कुछ व्यापारी और अन्य सिख भक्तों ने गुरु पर धीरामल के हमले का बदला लेने का फैसला किया। उनको गुस्सा आया कि उनके गुरु पे धीरामल ने हमला करवाया है। दे टुक अवे ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ धीरामल, उसने उन्होंने धीरामल जो था उसका सारा सामान ले लिया, एज वेल एज कॉपी ऑफ द होली ग्रंथ साहिब, और एक जो पवित्र ग्रंथ साहिब हैं उनका जो थी प्रति वो भी उन्होंने चुरा ली थी। वेन द न्यूज रीच्ड गुरु तेग बहादुर, जब ये बात गुरु जी को पता लगी, ही एडमोनिश्ड हिज सिक्स, तो उन्होंने अपने जो सिख थे ठीक है उनको चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी?
एंड डायरेक्टेड देम टू रिटर्न धीरामल्स प्रॉपर्टी, कि वो जो धीरामल की प्रॉपर्टी है उसको वापस कर दें, एंड ऑल्सो द होली बुक, और जो उन्होंने पवित्र किताब जो थी वहाँ से ली थी वो भी उसे वापस कर दी जाए. ही एडवाइज हिज डिवोटीज दैट फॉरगिवनेस ऑफ द सीनियर वॉज अ डिवाइन क्वालिटी विच दे शुड कल्टिवेट. और फिर उन्होंने उन्हें समझाते हुए क्या कहा कि पापी को क्षमा करना एक दिव्य गुण है जिसे उन्हें विकसित करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके साथ गलत करता है और अगर आप उसे माफ कर देते हैं तो आप में एक दिव्य शक्ति जो है वो वास करना शुरू करती है. दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स द फॉरगिविंग नेचर ऑफ गुरु तेग बहादुर पर्सनैलिटी, और ये घटना गुरु तेग बहादुर के व्यक्तित्व के क्षमाशील स्वभाव को उजागर करती है. द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन गुरु तेग बहादुर लाइफ केम व्हेन 500 ब्राह्मिन्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू सी हिम अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित कृपाराम ऑफ मट्टन. अब गुरु तेग बहादुर के जीवन का चरम बिंदु तब आया जब पूरे भारत से 500 ब्राह्मण मट्टन के पंडित कृपाराम के नेतृत्व में उनसे मिलने आए. अब ये पंडित गुरुजी से मिलने क्यों आए थे? औरंगजेब हैड इश्यूड ऑर्डर फॉर द फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू इस्लाम बाय रिमूविंग देयर सेक्रेट थ्रेड्स. अभी क्या हुआ था कि जो औरंगजेब था उसने हिंदुओं के पवित्र धागों को, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, को हटाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करने का आदेश जारी किया था कि उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन जो है किया जाए, इस्लाम को अपनाने के लिए कहा जाए. द रिलीजियस लीडर ऑफ हिंदूज वर ग्रेटली परटर्ब्ड, और जो हिंदुओं के धार्मिक नेता थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे कि ज़बरदस्ती उनसे जो है वो उनका जो पवित्र धागा है वो उतारने के लिए क्यों कहा जा रहा है, उन्हें धर्म बदलने के लिए क्यों कहा जा रहा है. इसलिए वो गुरुजी के पास आए थे. दे अपील टू गुरु तेग बहादुर टू सेव द हिंदू फेथ फ्रॉम द टेरेनी ऑफ द मुगल रूलर. और फिर उन्होंने गुरुजी से क्या अपील की? उन्होंने उनसे कहा कि वो हिंदू धर्म को मुगल शासक के अत्याचारों से बचाएं. ठीक है, अब क्यों उन्होंने ये अपील की थी? क्योंकि उनको जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जो था वो कहा जा रहा था. गुरु तेग बहादुर लिसन टू देयर टेल्स ऑफ वो, और गुरु तेग बहादुर जो थे उन्होंने उनकी शोक कथा जो थी वो सुनी. ही सैट एब्जॉर्ब्ड इन डीप थॉट, और वो गहरे सोच में बैठे हुए थे. हिज यंग सन, उनका जो छोटा बच्चा था गोविंद राय, जिसका नाम गोविंद राय था, हु वॉज जस्ट 9 ईयर्स ऑफ एज, जो कि सिर्फ 9 साल का था, देन अपियर्ड ऑन द सीन, तभी वहीं पर आया. सीइंग हिज होली फादर सिटिंग इन डीप थॉट, अपने पिताजी को गहरी सोच में पड़े हुए देखकर ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर के साथ, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या वजह थी कि वो इतनी गहरी सोच में पड़े हुए थे. द गुरु टोल्ड हिम ऑफ द सैड प्लाइट ऑफ कश्मीरी, तो गुरु जी ने उसे जो कश्मीरी पंडित थे उनकी जो थी व्यथा के बारे में उसे बताया था कि किस तरह से उनका जो दुर्दशा जो है औरंगजेब कर रहा है. और द यंग सन आस्क्ड हिज डियर फादर हाउ डियर फीथ कुड बी प्रोटेक्टेड, तो वो उस जवान बच्चे ने पूछा, युवा बच्चे ने पूछा कि अब ये जो लोग आपके पास आए हैं उनके विश्वास को किस तरह से कायम रखा जा सकता है. गुरु तेग बहादुर आंसर्ड, गुरु तेग बहादुर ने उत्तर दिया, बाय द सेक्रीफाइस ऑफ अ होली मैन, कि उनके विश्वास को एक पवित्र आदमी की कुर्बानी से ही सुरक्षित किया जा सकता है. हु कैन बी होलियर देन यू रेवर्ड फादर, रिमार्क द यंग सन. और फिर जो युवा पुत्र है उसने टिप्पणी की कि आपसे पवित्र कौन हो सकता है आदरणीय पिताजी. गुरु तेग बहादुर वॉज इमेंसली प्लेस
प्लीज्ड टू हियर दिस फ्रॉम हिज सन। गुरु तेग बहादुर जो थे वो बहुत ही खुश हुए ऐसी बात अपने बेटे के मुंह से सुन के। ही टोल्ड द कश्मीरी पंडित, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बोला, गो एंड टेल द मुगल रूलर्स दैट यू विल एग्री टू एम्ब्रेस इस्लाम। जाओ और मुगल शासक को जाके ये कह दो कि तुम इस्लाम धर्म को अपना लोगे, इफ़ दे कैन परजुएट योर गुरु तेग बहादुर, अगर वो आपके गुरु तेग बहादुर को इस चीज़ के लिए मना पाएं टू बी कन्वर्टेड टू द मुस्लिम फेथ, कि वो मुस्लिम धर्म को अपना लें, कि अगर गुरु ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया तो हम भी अपना लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उसे ये संदेश देकर कश्मीरी पंडितों को वापस भेज दिया। द ब्राह्मिन्स फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड ऑन हियरिंग दिस, और जो ब्राह्मिन थे वो सुनकर उनको बड़ी राहत मिली। दे बोट इन रेफरेंस ऑफ द गुरु एंड डिपार्टेड, और उन्होंने गुरु के सम्मान में जो अपना सर झुकाया और वहाँ से चले गए। ऑन रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस दे कन्वेड गुरु टेक बहादुर्स मैसेज टू गवर्नर जबरदस्त खान, और जो जब वो अपने प्लेस पे वापस गए तो उन्होंने ज़बरदस्त खान को गुरु तेग बहादुर का जो संदेशा था वो दिया, और ही पास्ड ऑन दिस न्यूज़ टू औरंगजेब, और उसने ये खबर किसको दे दी, उसने ये खबर औरंगजेब को दे दी। ऑर्डर्स वर इशूड बाय द एम्परर दैट गुरु तेग बहादुर बी अरेस्टेड, और जो शासक था जो उसने क्या जो था हुक्म दिया, उसने हुक्म दिया कि जो गुरु तेग बहादुर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए एंड ब्रॉट टू दिल्ली इमीडिएटली, और उनको साथ ही साथ दिल्ली में लेके आया जाए। द गुरु हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर प्रोसीडिंग टू दिल्ली, और गुरु जी तो खुद ही तैयार थे दिल्ली जाने के लिए। बिडिंग फेयरवेल टू हिज ब्रेव सन, हिज वाइफ माता गुजरी एंड हिज मदर माता नानकी, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, और फिर उन्होंने अपने बहादुर बेटे को अपनी पत्नी माता गुजरी और अपनी माँ माता नानकी को जो थी वो विदाई दी और दिल्ली की तरफ जो थे वो रवाना हो गए। ही हाल्टेड एट सेवरल प्लेसेस ऑन द वे, और रास्ते में वो कई जगह जो थी वहाँ से जो थे वो रुके, क्योंकि लंबा रास्ता था तो वो जगह जगह पे रुके। कौन कौन सी जगहों पे रुके थे, पटियाला, जींद, रोहतक एंड आगरा। Everywhere the wands of religion assemblies were held by his devotees at which Hemans were sung, और उन हर जगह उनके भक्तों के द्वारा जो धार्मिक सभाएं थीं उनके दीवानों का आयोजन किया गया था और जिनमें भजन गाए गए थे। जैसे ही गुरु आगरा पहुँचे, as the guru reached Agra, huge armed forces of Mughal escorted him to Delhi, तो जो मुगलों के विशाल सशस्त्र बल ने उन्हें दिल्ली की तरफ जो थे वो लेके गए। और औरंगजेब वॉज नॉट इन दिल्ली, अब औरंगजेब जो था वो दिल्ली में नहीं था, बट ही हैड लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस दैट गुरु तेग बहादुर बी ऑर्डर्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम और फेस डेथ, कि गुरु तेग बहादुर जो हैं वो या तो इस्लाम धर्म को अपना लें या फिर वो मौत के लिए तैयार हो जाएं। द चीफ काजी वहाबुल्ला ट्राइज हिज अटमोस्ट टू परसुएड द गुरु टू एक्सेप्ट इस्लाम, जो चीफ काजी वहाबुल्ला था उसने गुरु जी को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो अपना धर्म बदल लें। गुरु तेग बहादुर वुड एट नो कॉस्ट गिव अप हिज फेथ, लेकिन गुरु तेग बहादुर जो थे वो अपने विश्वास पे अडिग खड़े हुए थे, वो उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। इन ऑर्डर टू टेरिफाई द गुरु इनटू सबमिशन, और गुरु को डराने के लिए कि वो इस्लाम धर्म अपना लें, द मुगल ऑफिशियल्स टॉर्चर्ड वन ऑफ हिज डिसिपल भाई मती दास मोस्ट बार्बरसली बाय साइंग हिम अलाइव, तो गुरु जी को डराने के लिए कि वो इस्लाम धर्म को अपना ले, जो मुगल ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनके ही एक डिसिपल को, उनके एक अनुयायी को जिसका नाम कि भाई मतीदास था, जबरन जो जिंदा आरे के साथ जो था वो कटवा दिया था। अनदर डिसिपल भाई दयालदास वाज बॉइल्ड इन अ ह्यूज कॉल्ड्रन ऑफ हॉट वाटर एंड स्टिल अनदर भाई सतीदास वाज बर्न्ड अलाइव,
और अभी मतीदास को क्या किया गया था, आर्य के साथ जो था वो जिंदा कटवा दिया गया था। दूसरे जो थे वो भाई दयालदास थे, उनको गर्म पानी की कढ़ाई में डाल के उनको जो उबाल दिया गया था। और तीसरी जो थे भाई सतीदास, उनको जिंदा जला दिया गया था गुरुजी की आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी को डराना चाहते थे। ऑल दिस ह्यूमन एक्ट्स वर परफॉर्म्ड बिफोर द आईज ऑफ गुरु तेग बहादुर। और ये सारे अमानवीय कार्य जो थे वो गुरु तेग बहादुर की आंखों के सामने किए जा रहे थे। द गुरु सैट एब्सॉर्ब इन डीप मेडिटेशन ऑल द टाइम। लेकिन गुरुजी बिल्कुल भी जो थे सहमे नहीं थे। वो डीप मेडिटेशन में, गहरी समाधि में बैठे हुए थे। ही डिड नॉट वेवर एंड इवन व्हेन द मुगल ऑफिशियल्स अगेन ट्राई टू परसुएट हिम टू चेंज हिज माइंड, ही एक्सप्रेस्ड हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वॉज प्रिपेयर टू ले डाउन हिज डेथ। और जब जो मुगल ऑफिशियल्स थे उन्होंने फिर से उनको परसुएट करने की कोशिश की कि वो अपना धर्म बदल लें, तो गुरुजी ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, बट नॉट रिनाउंस हिज फेथ। लेकिन वो अपने जो फेथ है उसको जो टूटने नहीं देंगे, जो लोगों का उन पे फेथ है। देयर आफ्टर ही वॉज शट इन केज। उसके बाद उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। फाइंडिंग हिम अनरिलेंटिंग ऑर्डर्स वर इश्यूड बाय द औरंगजेब दैट द गुरु बी एग्जीक्यूटेड पब्लिकली इन चांदनी चौक। अब जब ये लगा कि वो तो अटिक हैं, वो अपने जो फैसले से बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, तो औरंगजेब ने क्या किया, उसने ये ऑर्डर्स जो थे, ये हुक्म जो थे, ये आदेश जो थे वो दिए कि जो गुरुजी हैं उनको चांदनी चौक में सार्वजनिक तौर पे जो है उनको एग्जीक्यूट किया जाए, उनको सजा दी जाए। दिस वॉज अनाउंस्ड बाई बीट ऑफ ड्रम इन द होल सिटी। और पूरे शहर में इस ढिंढोरा पिटवा दिया गया। पीपल वर शॉक्ड दैट द एम्परर हैड ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ सच अ होली मैन एज द गुरु। और लोग इस बात से बहुत ज़्यादा दुखित थे कि जो औरंगजेब था उसने इतने पवित्र गुरु को मारने का जो आदेश था वो दे दिया था। ऑन नवंबर 11, 1675 गुरु तेग बहादुर टुक हिज अर्ली मॉर्निंग बाथ एंड रिसाइटेड द सेक्रेट चकोजी। नवंबर 11, 1675 को गुरु तेग बहादुर जी जो सुबह जल्दी उठे, उन्होंने पवित्र जपुजी का पाठ किया। देर आफ्टर ही वॉज ब्रोट आउट। उसके बाद उन्हें बाहर लाया गया ऑफ द कोतवाली, कोतवाली से, एंड सीटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म। और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया गया। हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड गैदर्ड देयर इन लार्ज नंबर्स। हिंदू और मुस्लिम बड़ी संख्या में वहाँ पे एकत्रित हुए। गुरु तेग बहादुर सैट एब्जॉर्ब्ड इन डीप मेडिटेशन। गुरु तेग बहादुर अभी भी गहरी समाधि में बैठे हुए थे। द एग्जीक्यूशनर टुक आउट हिज स्वॉर्ड। और जो जल्लाद था उसने अपनी तलवार निकाली एंड एट वन स्ट्रोक सेवर्ड सेवर्ड द गुरुज हैट फ्रॉम हिज बॉडी। उसने एक झटके में ही गुरु के जो शरीर था उससे उसके हेड को अलग कर दिया, सिर को अलग कर दिया। पीपल क्राइड आउट इन एंग्विश। लोग जो थे वो जो थे बहुत ही जोर से चिल्लाए, बहुत ही गुस्से से चिल्लाए, बहुत ही दुखी होकर जो थे वो चिल्लाए। और वच होरर, अ सेंटली मैन हैज बिन किल्ड। वो क्या चिल्लाए कि कितना भय है, एक साधु को मार डाला गया है। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। सडनली अ डार्क फ्यूरियस थंडर स्टॉर्म एनवॉल्व द सिटी। और अचानक ही एक काले भयंकर गरज के साथ तूफान आया और बादल छा गए और शहर को पूरी तरह से उन बादलों ने ढक लिया। इवन नेचर शेड टीयर्स ऑफ ग्रीफ एट हिज हेड्रस क्राइम कमिटेड बाय द टायरनिकल मुगल रूलर्स। और अत्याचारी मुगल शासकों द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध पर प्रकृति भी ऐसे लग रहा था जैसे दुख के आंसू बहा रहे हो। पीपल रैन फॉर कवर। पीपल जो थे वो अपने आप को जो थे छिपाने के लिए भागे, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था, अंधेरी रात हो गई थी। देयर वॉज ग्रेट कंसेंट्रेशन
इन द कन्फ्यूजन वन ऑफ द गुरुज डिवोटेड सिख भाई चैता रश्ड फॉरवर्ड एंड पिक्ड अप द मार्टिर्ड गुरुज स्वर्ड हैड स्विफ्टली कवर्ड इट रिस्पेक्टफुली एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द क्राउड। अब क्या हुआ कि जब इतना तूफान आया हुआ था, लोग अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना थी। इस भ्रम में गुरु के समर्पित सिख भाई चैता आगे बढ़े और शहीद गुरु के जो कटा हुआ सिर था उसको तेजी से उठाया, सम्मान पूर्वक इसको ढका और भीड़ से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो था भीड़ हो रखी थी और उसमें पता ही नहीं चला कि कब जो थे वो गुरु जी का मृत गुरु जी का जो था वो सिर उठा के वहाँ से भाग लिए थे। इन द कंपनी ऑफ टू अदर सिक्स ही रीच्ड कीरतपुर एंड डिलीवर्ड द सेक्रेट हेड टू हिज सन गुरु गोविंद सिंह। और अपने दो साथियों के साथ वो कीरतपुर पहुँचे और उन्होंने गुरु जी का जो सिर था वो उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को दिया, द टेंथ गुरु, जो कि दशम गुरु कहलाते हैं। द यंग गुरु एम्ब्रेस्ड द थ्री डिवोटी सिक्स हु बिलोंग टू अ कास्ट कंसीडर्ड लो। गुरु गोविंद सिंह हग्ड द डिवोटी सिक एंड प्रोनाउंस्ड। अब वो सिख जिनको कि लो कास्ट का माना जाता था, ठीक है, उन्होंने तीन धर्मनिष्ठ सिखों को अपने गले लगा लिया जो निमन जाति के थे। गुरु गोविंद सिंह ने समर्पित सिखों को गले लगाकर क्या कहा, रंगरट्टे गुरु के बेटे और रंगरट्टे गुरु के पुत्र हैं। गुरु तेग बहादुर हेड वॉज क्रिमिटेड विद ड्यू रेवरेंस एट आनंदपुर साहिब। और गुरु तेग बहादुर के सिर का आनंदपुर साहिब में उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अनदर डिवोटी ऑफ गुरु तेग बहादुर भाई लक्की एंड हिज सन नगैया पुश्ड अ लॉन्ग रो ऑफ बल्क कार्ट्स लोडेड विद कॉटन एंड अदर गुड्स इनटू द स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक। अब गुरु तेग बहादुर भाई लक्खी और उनके पुत्र के एक और भक्त नगैया ने कपास और अन्य सामानों से लदी बैलगाड़ी की एक लंबी कतार को चांदनी चौक की गली में धकेल दिया था। बीइंग अ कैरियर ऑफ गुड्स फॉर द गवर्नमेंट नो वन प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। अब उसको किसी ने नहीं रोका, क्यों? क्योंकि सरकार के लिए माल का वाहक समझा सभी ने उसको और उसे आगे बढ़ने से किसी ने उसको रोका ही नहीं। इन द कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द फर्स्ट स्टॉर्म एंड पीपल रनिंग हैल्टर स्कैटर भाई लक्की एंड हिज सन पिक्ड अप द बॉडी ऑफ गुरु तेग बहादुर क्विकली कंसील्ड इट अंडर द हीप ऑफ कॉटन इन बलकाट एंड ड्रोव क्विकली टू देयर हर्ट्स इन रायसेना। और फिर उन्होंने क्या किया कि भयंकर तूफान से पैदा हुई असमंजस की स्थिति में भाई लक्की और उनके पुत्र ने गुरु तेग बहादुर के पार्थिव शरीर को जल्दी से उठाया और रायसीना में अपनी झोपड़ियों में चले गए थे। इस तरह से उनका जो सिर था वो भी उनके बेटे के पास चला गया था और उनकी बॉडी को लेके जो थे रायसीना में अपनी झोपड़ियों में उनके जो अनुयायी थे वो चले गए थे। ऑन अराइवल एट देयर हाउस दे ऑफर्ड प्रेयर्स रिस्पेक्टफुली टू द मेमोरी ऑफ द होली गुरु एंड सेट देयर हार्ट्स ऑन फायर। और फिर उन्होंने क्या किया वहाँ पे, उन्होंने पार्थिव शरीर को जल्दी से उठाया, रायसीना में अपनी झोपड़ियों में ले गए और अपने घर पहुंचने पर गुरु की स्मृति में सम्मानपूर्वक प्रार्थना की और अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी। अब आग क्यों लगाई उन्होंने झोपड़ियों में, क्योंकि वो खुल के उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, पकड़े जाते और वहाँ पर बहुत जो स्थिति थी वो ख़राब हो सकती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी। पीपल थॉट लकीस Thatched huts had caught fire accidentally, but the devote Sikh of Guru Tegh Bahadur had secretly cremated the body of martyred Guru with due respect. अब लोगों ने क्या सोचा था, लोगों ने तो ये सोचा था कि लक्खी के फूस की झोपड़ियों में गलती से आग लग गई है, लेकिन गुरु तेग बहादुर के धर्मनिष्ठ सिख ने शहीद गुरु के शव का उचित सम्मान के साथ जो था
वो गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। द फेमस गुरुद्वारा रकाबगंज इन न्यू दिल्ली एडजेसेंट टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स एज अ फिटिंग मेमोरियल टू द यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ द 9th गुरु तेग बहादुर। अभी जो नई दिल्ली में प्रसिद्ध गुरुद्वारा रकाबगंज सरकार के केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक से जो है वो सटा हुआ है। The devotees of the great martyr Guru Tegh Bahadur visit the shrine and pay their homage to their respected guru. और जो भारत के 9वें गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय बलिदान के लिए उपयुक्त स्मारक के रूप में जो था ये सटा हुआ खड़ा हुआ था। महान श्री गुरु तेग बहादुर के भक्त मंदिर जाते हैं और अपने सम्मानित गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित जो है वो करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन बचित्र नाटक, बचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह ने क्या लिखा? ही प्रोटेक्टेड द पेस्ट मार्क तिलक एंड द सेक्रेट थ्रेड चिन्हू। अब उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने जो उनके फॉरहेड पे जो पेस्ट होता है, जो चंदन का टीका लगा होता है, पेस्ट लगा होता है, उसको तिलक और पवित्र धागा जो नेव जो था उसकी रक्षा की थी। इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रेजडी ऑफ द टाइम और यह उस समय की एक बड़ी त्रासदी थी। द गुरु डिड दिस फॉर द होली मैन और गुरु ने ये क्यों किया था? पंडितों की सुरक्षा के लिए किया था। ही सेक्रीफाइज हिज लाइफ विदाउट अ क्राउन और उन्होंने जो था बिना किसी कराह के अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाए थे जब उनकी जान ली गई थी। ही ले डाउन हिज लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्मा उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। ही सेक्रीफाइज हिमसेल्फ बट डिड नॉट गिव अप हिज प्रिंसिपल उन्होंने अपने आप की कुर्बानी दी थी लेकिन अपने जो सिद्धांत थे उनका त्याग नहीं किया था। गुरु तेग बहादुर ले डाउन हिज लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज्म गुरु तेग बहादुर ने हिंदुइज्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। टू दिस डे गुरु तेग बहादुर इज रिमेम्बर्ड एज हिंद की चादर द कवरिंग शीट ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द ऑनर ऑफ द इंडिया और इस प्रकार से उनको हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब है कि उन्होंने इंडिया जो था उसकी इज्जत जो थी उसको बचाया था। ही सेक्रीफाइज हिज लाइफ फॉर अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ वर्शिप उन्होंने अपने प्राण जो थे वो न्यौछावर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूजा की स्वतंत्रता के मानव अधिकार को कायम रखने के जो थी उनकी एक कोशिश थी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ फेथ ऑफ ऑल पीपल क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों का जो फेथ था उनमें उसको बचा के रखना चाहते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन द चैप्टर हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।